गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे अश्विनी का थोड़ा सा चेंजिंग ऑफ बिहेवियर अजीब सा लगने लगता है। वो बार बार सोचती है कि इसे हुआ क्या, ये ऐसे चेंज बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर वो जाके कैश्मीरा को बताती है, तो कैश्मीरा बताती है तुझे याद नहीं है क्या कि कल क्या हुआ था। वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो तभी वो कहती है इतनी नहीं पीनी चाहिए, हर बार पी के ऐसी टुल हो जाती कि पता ही नहीं रहता कि कल क्या हुआ था। तो कश्मीरा उसे उतनी ही बात बताती है जितनी एक्चुअल में कश्मीरा को पता रहती है। कश्मीरा उसे बताती है कि जो हमारी अश्विनी थी उसके ऊपर जोसफ बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया था और उसके साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रहा था। तो ये बात सुन के उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है आरोही को। फिर थोड़े टाइम के बाद वो अपने मेकअप पे लग जाती है, पर थोड़ा रिलैक्स होकर जब वो कॉफ़ी वगैरह पीती है और दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालती है तो उसे पता चलता है उफ एक्चुअल में कल रात को उसने कन्फेस कर दिया था अपना लव, और साथ ही साथ हमारी अश्विनी ने भी उस लव को एक्सेप्ट किया था। वो घर जाती है, घर जाकर देखती है तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन होती है अश्विनी, क्योंकि जोसफ उसके पीछे पड़ गया है। तो यहाँ पर जाकर हमारी आरोही हीरोइन बनकर जोसफ को मारती है सबके सामने, उसे इंसल्ट करती है, जिसमें जोसफ ये बोलता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। आरोही करती जो करना है कर लो। अब उसके आगे आरोही वहाँ से अश्विनी का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है चलो। अश्विनी कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है मैंने गलती करी है? तो कहती है यार देखो मैं मानती हूँ कि उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, ठीक है, लेकिन वो बहुत पावरफुल इंसान है, कल जाके हमारा पूरा करियर दांव पे लग जाएगा, हर एक चीज़ के लिए हमें लोगों के पीछे हाथ फैलाना पड़ेगा, और ये कोई हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी हम ये सब चीज़ों से भुगत चुके हैं, शायद तुम्हें याद होगा। पर क्या थोड़े से झुकने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो तभी आरोही कहती है झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के सामने झुकने से मुझे डर नहीं लगता है, मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम है गलत लोगों के सामने झुकने से, और मैं गलत इंसान के सामने झुकना नहीं चाहती। आरोही प्लीज़ मेरी बात को समझो, हम पहले भी ये सब चीज़ों को फेस कर चुके हैं और अभी जैसे तैसे हमारी लाइफ बेटर चल रही थी, तुम मेरे लिए पहले भी इतने लोगों से लड़ाई कर चुकी हो और अपना करियर वगैरह सब दांव पे तुमने लगा दिया था, मैं हर चीज़ जानती हूँ, प्लीज़ इस बार मत करो। तो आरोही उसके करीब आकर बोलती है और उसकी कमर में हाथ रखे हुए बोलती है पहले तो एज अ फ्रेंड के चक्कर में मैंने करियर दांव पे लगा दिया था, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो सोचो फिर मैं क्या करूँगी। अश्विनी शर्मा जाती है और बोलती है आरोही पब्लिक प्लेस में है। तो कहती है तो क्या तुम्हें डर लगता है अपनी गर्लफ्रेंड से पब्लिक प्लेस में? तो कहती है नहीं अच्छा नहीं लगता है, चलो घर चलते हैं। तो कहती है चलो घर चलते हैं। तो दोनों ऐसे वहाँ पर हाथ पकड़ते एक दूसरे के लिए और वहाँ से रोड क्रॉस कर रहे रहते हैं। तो रोड क्रॉस करते टाइम वहाँ से वो लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आरोही बोलती है कि टैक्सी तो मिल ही नहीं रही है। तो अश्विनी कहती है थोड़ा वॉक करते करते चलते हैं, आगे कहीं पर अपन को टैक्सी मिल जाएगी। तो ये लोग वॉक कर रहे रहते हैं बहुत अच्छे से, और वॉक करते करते टाइम वो वहाँ पर सामने दो बच्चों को देख रहे रहते हैं, जो दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे रहते हैं। तभी अश्विनी कहती है बचपन में हम भी एक दूसरे का हाथ इस तरीके से पकड़ के चलते थे ना। तो आरोही बोलती है मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। तो कहती है यही तो प्रॉब्लम है, तुम कभी हाथ ही नहीं पकड़ती थी, मैं उल्टा तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें बोलती थी साथ में चलो साथ में चलो, पर तुम्हारा तो है कि तुम्हें तो अलग ही राह पर चलना है। तभी आरोही कहती है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ अश्विनी, जो लोग करते हैं मुझे वो चीज़ करना पसंद नहीं है, लोग जिस राह पर चलते हैं वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि बेल बकरी की चाल के पीछे मैं फॉलो कर रही हूँ, आई एम नॉट अ फॉलोअर, और मुझे किसी को फॉलो करना पसंद नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करना पसंद है, एक ऐसी चीज़ करना पसंद है जहाँ लोग मुझे देखकर ये बोलें कि उफ आरोही ने ये चीज़ करी, सो मेरी लाइफ का तो यही एक अलग ही फंडा है। अश्विनी कहती है आरोही अलग करने से डर नहीं लगता है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत डेंजरस होते हैं,
और फिर अगर उसको भुगतने के चक्कर में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आरोही कहती, यही तो प्रॉब्लम है अश्विनी तुम्हारी और मेरे बीच में, तुम उल्टा मैं सिर्फ सोचती हूँ और वो काम तुम कर रही हो। तो अश्विनी कहती है, मतलब? तो आरोही बोलती है, मुझे कुछ यूनिक करना है, राइट? हाँ, अश्विनी कहती है, और मुझे यूनिक में कुछ इस तरीके से करना है कि लोग जब मुझे देखे तो याद रखे कि उफ, ये आरोही ने क्या किया था। बट मैं ये सोच रही हूँ, मैं अभी तक ऐसा कुछ यूनिक काम कर नहीं पाई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, तुम अश्विन से अश्विनी बनी हो, समथिंग यूनिक। हर किसी में ये जिगरा नहीं होता है करने का मेरी जान। तो तुम, मैं सोचती हूँ पर तुम कर रही हो, पर तुम फिर भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती हो। अरे, जिसको पूरी सोसाइटी ने ठुकरा दिया, उसे अब इंसान से क्या डरना? पता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंसान कौन होता है? जिसे किसी को खोने का डर नहीं होता और किसी भी चीज से उसे डर नहीं लगता, वो दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन होता है। और तुम्हें तो होना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ का वो क्रिटिकल फेसेस हैंडल करे हैं जो हर कोई सोच कर भी उसकी रूह कांप उठती है। अपने बॉडी का अंग काट कर दूसरा अंग बनाना, ये भी आसान नहीं होता है। कितना पेन होता है ना, ये कोई समझ भी नहीं सकता। छोटी सी चोट लग जाती है, छोटा सा घाव लग जाता है, उसे भरने में लोगों को रोना आ जाता है। तुमने तो अपनी बॉडी के सबसे बड़े अंग को काट के दूसरी चीज पे कन्वर्ट किया है। तो इतिहास तुम लिख रही हो अश्विनी, मैं तो बस सोच रही हूँ, आरोही कहती है। तभी अश्विनी कहती है, वो भी इतिहास तुम्हारी वजह से ही तो लिखा जा रहा है। आरोही, मैं लाइफ में ना एक ऐसे मोड़ पे खड़ी थी जहाँ पर मैं उस दिन ट्रक के सामने खड़े होकर अपनी जान देना चाहती थी। तुम अगर अपनी स्कूटी को फेंक कर आकर मुझे धक्का देके नहीं बचाती, तो शायद मैं आज अश्विनी नहीं होती। तो मेरी लाइफ को एक सही राह पर लेके जाना, अश्विन से अश्विनी तक का सफर सिर्फ तुमने तय की है। और तुम्हारी सोच देखी कुछ यूनिक करना है, इसलिए तुमने मुझे करवाया वो चीज़, मेरा खुद का नहीं था। मैं तो बस हार चुकी थी दुनिया से। तो आरोही कहते, कम ऑन अश्विनी, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ ऐसी बकवास वाली बकवास करने नहीं आई हूँ, चलो चुपचाप यहाँ से। और ऐसे वो हाथ पकड़ के उसे भागते हुए लेते हुए जाती है, पर वहां पर चनेचूर गरम वाला रहता है। वो उसे बोलती है, चना दे दो, तो वो उसे चना देती है और चनाचूर गरम खा रहे रहते हैं। और वो बहुत एक दूसरे को स्माइल कर रहे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक आज़ादी होती है ना, वो आज़ादी को फील कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अश्विनी उसे पूछती है, आरोही आज तुम इतनी हैप्पी क्यों हो? तो आरोही कहती है, तुम हैप्पी नहीं हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं हैप्पी हूँ, बस मैं थोड़ी सी वर्रिड हूँ कि इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आरोही कहती है, चल बेब, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी अब डरना किस बात का, बहुत कुछ पहले भी फेस किया है, थोड़ा सा और फेस कर लेंगे, हद से ज़्यादा क्या होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तो अच्छा इंसान होगा ना, जो जिंदगी में सिर्फ अच्छाई के लिए हो। हर कोई मतलबी भी नहीं होता है और हर कोई बिना मतलब के भी नहीं होता। तो चीजें देखते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो हमारे लिए भेजेगा पकवान। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे मैं भी कायम हूँ। चलो अब रिलैक्स करो। फिर आरोही जो होती है वो वहाँ सामने देख रही रहती है। ये लोग एकदम जो बोलते हैं ना, समुंदर की ठंडी ठंडी हवाएं और इन सब के बाजू में एक जगह रहती है, वहाँ बैठते हैं और वहाँ से वो देख रहे रहते हैं। तो वहाँ पर एक दो छोटे सा मतलब स्कूल्स वाले कपल नहीं होते जो स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पर एक लड़का एक लड़की वहाँ पर चुपचाप बैठ के लड़के की गोद में लड़की बैठी रहती है और वो उसे टाइटली हग करा हुआ रहता है। तो आरोही बस ये देख रही रहती है। तभी अश्विनी आरोही को देखती है और उसकी नज़र को फॉलो करती है, तो उसे फॉलो करके पता चलता है वो बच्चों को देख रही है। तभी अश्विनी बोलती है, आरोही तुम्हारा भी मन कर रहा है ऐसे करने का? तो आरोही बोलती है, क्या मतलब? कहती
कहती है, तुम्हारा भी मन है क्या कि मेरी गोदी पे बैठने का और इस तरीके से हक करने का? अश्विनी आज थोड़ी सी नॉटी होकर उसे टीस कर रही रहती है। तब ये आरोही उससे बड़ी वाली रहती है, तो आरोही कहती है, ये तो बच्चे हैं, ये तो बच्चे लोग करते हैं ऐसे, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मैं ये सब हरकत नहीं करती। तभी अश्विनी बोलती है, तो आप क्या करते हो? तो कहती है, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें गोदी में बिठा के तुम्हें लिप किस करूँ, और इतनी ज़्यादा लिप किस करूँ, इतनी ज़्यादा लिप किस करूँ कि बाद में जाके तुम मुझे धक्का दे के बोलो, आरोही छोड़ो मुझे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ये करना चाहती हूँ। तभी अश्विनी एकदम से ब्लश करने लग जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है, और आरोही धीरे से उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींच के बोलती, क्या हुआ अश्विनी? तो आरोही कहती है, अश्विनी की तरफ आरोही आरोही की तरफ अश्विनी देख के कहती है, तुम बहुत नॉटी हो। तो कहती, क्यों, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नॉटी नहीं हो सकती मैं? तो कहती है कि हाँ हो सकती हो, तुम्हें ही तो हक है। तो कहती हूँ। तभी अश्विनी और आरोही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं, ये टाइम क्वालिटी टाइम होता है जहाँ पर वो लोग कुछ कर नहीं रहे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर जब सनसेट हो रहा रहता है तब वहाँ बैठ के एक दूसरे के मोमेंट्स को फील कर रहे रहते हैं, और आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि दोनों ने अपना लव एक दूसरे के प्रति कन्फेस किया था, और जिस चीज़ के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करते हो आज वो हुआ था। तभी वहाँ पर जो आरोही रहती है वो एकदम से बोलती है, अश्विनी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो आरोही बोलती है, हाँ बताओ। तो आरोही, एक्चुअल में ना आई एम नॉट वर्जिन। तो आरोही बोलती है, ओके। तो अश्विनी कहती है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं वर्जिन नहीं हूँ? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहती है, क्यों, मतलब तुमने ऐसे मतलब इतना कैजुअली कैसे लिया? तभी आरोही उसे देख के बोलती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट वर्जन, तो जब मैं वर्जन नहीं हूँ तो मैं थोड़ी ना तुम्हें से कोई एक्सपेक्ट करूँगी। तभी अश्विनी एकदम से बोलती है, तुम वर्जन कैसे नहीं हो? आई मीन डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, और तो तुम वर्जन कैसे नहीं हो? तो आरोही कहती है कि क्या आप तुम्हें डिटेल्स चाहिए? तो अश्विनी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे जानना है। तो आरोही कहती है, अरे पर मुझे नहीं बताना है, वो तो पास्ट था ना, और तुम पास्ट के ऊपर क्यों देख रही हो, एट प्रेजेंट की बात करो ना। तभी अश्विनी बोलती है, नहीं नहीं मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सब तुमसे रिलेटेड है, तो मुझे जानना है। तभी आरोही कहती है, ये क्या जबरदस्ती है? तो आरोही उठती है और जाने लगे, तभी अश्विनी बोलती है, नहीं नहीं मुझे जानना है। तो आरोही कहती है, ओफ ये तुम टिपिकल वाइफ की तरह ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तो अश्विनी एकदम से याद आता है कि वो बिल्कुल एकदम बोलते ना कि उसे बुरा लग गया है, और वो एकदम वाइफी की तरह बिहेव करती है। तभी वो एकदम से बोलती है, अच्छा मैं वाइफी की तरह बिहेव करी, अच्छा जाओ। तो ऐसे कह के वो वहाँ से भाग जाती है। तभी आरोही हंसने लग जाती है और आरोही को इतनी हंसी आती है। तभी आरोही अश्विनी को जाते हुए देख रही रहती है और हंसते हुए कुछ याद करने लग जाती है। वो टाइम था कि जब ये लोग 14 साल के थे और अश्विन ऐसे ही आरोही के पीछे हर चीज़ के लिए पड़ा रहता था। जैसे एक दिन वो लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके अश्विन के लिए उसे बहुत अच्छी कोई चीज़ पसंद आती है, इट्स मीन्स कि उसे एक जो जैकेट था वो बहुत पसंद आया था, तो उसे अपनी मॉम के पीछे पड़कर अश्विन के लिए वो जैकेट खरीदा। और उन दिनों थोड़ा सा ठंड का भी समय था तो जैकेट तो यूज़ करना ही था, तो वो जैकेट लाइट भी रहता है और अच्छा भी रहता है, तो वो जैकेट के लिए पीछे पड़ती है और अपनी जो पॉकेट्स मनी होती है वो अपनी मम्मी के हाथ में देकर बोलती है कि मॉम मुझे ये जैकेट बहुत पसंद आया है, आप ये अश्विन के लिए ले लीजिए। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि अश्विन के लिए लेने आई हो या खुद के लिए शॉपिंग करने आई हो? तभी आरोही कहती है, मॉम
मैं अपने लिए भी करने आई हूँ, पर मेरी चीज़ें तो आप दिला दोगे। और अश्विन के लिए ये सच्ची में बहुत सुंदर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट आप कर दो। तो उसकी मम्मी भी ये जानती थी कि अश्विन और आरोही बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। उनकी मॉम को तो ऐसा लगता था कि बोफ ये प्यार देखो भाई बहन वाला, बट किसे पता था कि भाई बहन वाला प्यार तो कभी था ही नहीं। तो वो वहाँ पर उसके लिए वो जैकेट्स खरीद लेती है। जैसी वो जैकेट खरीदती है तो वो जैकेट को अपने पास रख लेती है, अपने घर लेकर चली जाती है। फिर वो जब अश्विन से मिलती है शाम को गार्डन में, और गार्डन में ये लोग खेल रहे रहते हैं और अश्विन फुटबॉल खेल रहा रहता है और आरोही वहाँ बैठ के उसे चेयर अप कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जब फुटबॉल मैच ख़त्म हो जाता है तो अश्विन उसके बाजू में आके बैठता है और तभी आरोही उसे धीरे से एक चीज़ में पोक कर देती है। अश्विन तो वो कहती है कि हाँ बोलो आरोही। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ लाई हूँ बट मेरा मन नहीं है तुम्हें देने का और मेरा मूड कर रहा है कि मैं तुम्हें ना बताऊँ। और तभी वो बोलती अरे, तभी अश्विन उसके पीछे इसी तरीके से पड़ता है, अरे बताओ ना क्या बताना है तुम्हें, बताओ बताओ। अरे नहीं नहीं क्या लाई हो तुम मेरे लिए, अरे बताओ ना आरोही ऐसे करोगी क्या, बताओ बताओ। तभी आरोही कहती यार मैं गिफ्ट लाई हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ, बात ख़त्म। तभी अश्विन भी उसी तरीके से ऐसे ही रूठ के आगे भागने लगता है। तभी ऐसे भागते भागते वो उसी तरीके से गार्डन से चला जाता है और गुस्से में जाता है। वही सीन आज आरोही को याद आ रहा था जब अश्विनी इसी गुस्से में वो पूरे के पूरे वहाँ रोड पे जा रही थी, तभी आरोही उसे देखते हुए हंस रही थी। फिर आरोही उसके बाजू में जाके खड़ी होती है भागते हुए और उसे कमर से टच करती है और उसे टर्न करते हुए बोलती है मैंने बताना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ ना, तो तुम मुझे मत बताओ। तो आरोही हंस ही रहती है। तभी वो कहती है अच्छा ये सारी बातें ना घर पे करेंगे हम, अभी हम घर पे चलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम मुझे यहीं पे सबके सामने मारने लग गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना, चलो घर पे चलते हैं। और ऐसे कह के वो हाथ पकड़ने लग जाती है। यहाँ पर वो टैक्सी पे बैठती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और अश्विनी अब आरोही को देख रही थी। अब अश्विनी को कुछ चीज़ याद आती है उसके बचपन के टाइम पे, कि जब फर्स्ट टाइम आरोही ने भी उसे इसी तरीके से हाथ पकड़ के ये कहा था कि ठीक है घर पर चलो, मैं तुम्हें चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मार्केट से क्या लेकर आई हूँ, यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ पर लाकर दिखाया पसंद नहीं आया और तुमने मुझे सबके सामने मारा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो चुपचाप तुम अंदर चलो। तो वो इस तरीके से अश्विन को अंदर लेकर जाती है, अपने रूम पर बिठाती है और वहाँ से कपट से एक प्यारा सा पूरा बैग निकालती है और उसके हाथ में देती है और बोलती देखो। और जैसे ही वो बैग वो ओपन करता है तो उसे वो इतनी प्यारी जैकेट मिलती है और वो जैकेट को पहनते से ही इतने खुश होने लगता है, इतना खुश होने लगता है और वो पूरा नाचने लगता है और नाचते हुए इतना खुश होता है और आरोही को इतना टाइट हग करता है, इतना टाइट हग करता है, उसके गालों पे दोनों साइड किसी देता है, उसकी फोरहेड पे किसी देके भाग जाता है, अपनी मम्मी को बताने के जाता है। आरोही को जब इस तरीके से किसेस मिलती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट उसे उस समय तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो बच्ची थी। और तो वो तो बस अश्विन को इतना खुश देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और वो इतनी ज़्यादा खुश होती है, अपनी मम्मी को बोलती है इसकी ये खुशी मेरे लिए ना बहुत मैटर करती है मम्मा, इसलिए मैंने ये जैकेट खरीदी, भले मेरे पॉकेट मनी चला गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये इतना खुश होगा ना इसलिए मैंने ली। तभी उसकी मम्मी कहती है आरोही तुम अश्विन से बहुत प्यार करती हो ना। तो आरोही बोलती है मम्मा प्यार क्या होता है, वो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को खुश रखूँगी, यही तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी मम्मी को पहले से ही पता था कि आरोही लव्स एक्चुअली अश्विन एंड अश्विन लव आरोही, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ऐसा हो गया था कि ये लोग स्ट्रेट कपल्स नहीं थे, बस यहाँ एक फ़र्क था कि एक को फीमेल बनना था और एक को फीमेल ही पसंद थी, इसलिए आज जब ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं तो इन्हें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता क्योंकि इनके दिल तो बचपन में ही मिल चुके थे।
अश्विनी की सोल से प्यार आरोही को बहुत पहले हो चुका था और अश्विन को आरोही से सोल से बहुत पहले हो गया था। यहाँ पर भी देखा जाए तो कनेक्शन सोल का ही था एक दूसरे के। थोड़ी देर के बाद जब आरोही और अश्विन टैक्सी का एकदम से ब्रेक लगता है तो अश्विनी होश में आती है और आरोही बोलती है, बस जब देखो टैक्सी में बैठना नहीं होता तो मैं मुझे पकड़ के सो जाती हूँ, चलो उतरो पहुँच गए हम। तो वो उतरती है, वो उसे पैसे देती है और फिर ये लोग अपने फ्लैट की तरफ जाते हैं। जैसे ये लोग फ्लैट की तरफ जाते हैं तो जो अश्विनी रहती है वो गेट ओपन करती है, आरोही को अंदर लेती है, फिर गेट लगाती है और फिर एकदम से पूछती है, बताओ क्या बताना था तुम्हें। तो आरोही कहती है, देखो अश्विनी मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जो हीट ऑफ द मोमेंट से हो जाती है, तो उस पर तुम इतना रिएक्ट मत करना। तो कहती है, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी बट मुझे जानना है। तो वो कहती है, मेरा कशिश के साथ हो गया था और वो भी मेरा कोई इंटेंशन था नहीं, बट उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम याद आ रही थी, आंखें बंद कर रही थी तो मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं अपनी फीलिंग्स को लेके काफ़ी उलझी थी, तो मेरा उसके साथ हुआ था। तो अश्विनी कहती है कि जस्ट रिसेंटली हुआ। तो वो कहती है, हाँ 2-3 वीक्स हो गए, 1 वीक के तो अराउंड 10 डेज तो हो ही चुके हैं अराउंड। तो वो कहती है, अच्छा। तो आरोही अश्विनी के पास जाती है, उसे कमर से पकड़ती है, उसे बोलती है, क्या ये चीज़ मैटर करती है हमारे रिलेशन में? तो अश्विनी बोलती है, नहीं मैटर नहीं करती है, बट मेरी जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो बोलती है, बताओ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना आरोही, क्योंकि मैंने ना कुछ रूल्स ब्रेक करे हैं। तो वो कहती है, कैसे रूल्स ब्रेक करें? तो कहती है, देखो हम बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हमने दोनों ने एक दूसरे का पिंकी प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आरोही बोलती है, हाँ तो वो तभी अश्विनी कहती है, और किसी से कुछ भी छुपाएंगे नहीं, राइट, नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। तो आरोही कहती है, हाँ बट यहाँ एक सीक्रेट ये था कि मुझे जोसेफ ने 10th स्टैंडर्ड में जब वो पता है एनुअल फंक्शन हुआ था, तो कहती है कि हाँ उसके बाद से जोसेफ और मैं एक दूसरे को डेट करने लगे थे और उसी टाइम में फ़र्स्ट टाइम उसके साथ इंटीमेट हुआ था, और जब मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था तब से वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहने लगा और इसलिए वो अभी भी मुझे बॉयफ्रेंड मेरा बनता है। एक्चुअल में वो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बट उस समय भी वो मेरे पीछे लस्ट के लिए ही था और आज भी वो लस्ट के ही वजह से मेरे साथ है। तो आरोही, मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी और उन दिनों जब हम मतलब बहुत ज़्यादा रोए थे, याद है हमने ड्रिंक करी थी, तब मैंने तुम्हें ये बात भी बता दी थी। तो आरोही कहती है, ड्रिंक के बाद तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है। तो ठीक है, तो आरोही कहती है, बट मैंने भी तुमसे कोई बात छुपाई थी। तो वो कहती है कि क्या? तो तभी आरोही कहती है कि मुझे जैकलीन करके लड़की मिली थी स्कूल टाइम पे, और दैट एज वॉज 15 ईयर्स मेरी भी थी, और उन दिनों जस्ट आई गॉट नो दैट कि आई एम इनटू गर्ल्स, आई एम अ लेस्बियन, तो मुझे उस समय पता चला था, तो मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। तो अश्विन कहता है, तो क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? तो कहती है कि यार मेरा रिलेशन इतना टाइम तक चला ही नहीं था, मुझे तो वो मेरे लिए लस्ट के लिए थी और मैं लस्ट के लिए थी नहीं, मुझे तो इमोशनली बाउंडिंग बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं दूर हो गई। तो यहाँ पे अश्विनी जो रहती है वो सारी बातें सुनकर थोड़ा सा उसे शर्मिंदा फील होता है कि एक तरफ आरोही है कि कोई उसके पास लस्ट के लिए आता है तो बैक स्टेप हो जाती है, और एक तरफ जो अश्विनी थी जिस जो उसके ऊपर मतलब जोसेफ ने लस्ट के लिए था और उसने उसको अलाउ कर दिया था। तभी वहाँ पर आरोही कहती है, देखो ये पास्ट की बातें हैं और पास्ट की बातों को पास्ट में ही रखना ज़्यादा बेटर है, इसको प्रेजेंट पे लाएंगे तो प्रेजेंट खराब होगा, तो जस्ट मूव दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड एंड जस्ट फील फ्री।
ओके, अपने दिमाग से ये थॉट्स को निकालो और आजाद पंछी की तरह बैठो। अब रात भी हो गई है, चलो कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो कहती है ठीक है मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो आरोही भी जाके अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है, अश्विनी फ्रेश होकर आ जाती है, फिर आरोही भी जाकर मुंह हाथ धो के फ्रेश होकर आ जाती है। अश्विनी खाना बनाने के लिए सबसे पहले राइस लेती है, कुछ खाना बनाने के लिए वो राइस बॉईल कर रही रहती है। तो तभी वहाँ पर आरोही आके बोलती है कैन आई हेल्प यू, तो कहती है नहीं नहीं तुम कुछ मत करो। तो कहती है नहीं नहीं मुझे हेल्प करना है। तो वो कहती है ठीक है तो ये चॉपिंग कर लो। तो आज तक आरोही ने कभी भी वेजिटेबल्स चॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करती, शी डोंट नो हाउ टू चॉप। तो वो चॉपिंग कर रही रहती है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ा। तो वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो पीछे से आकर आरोही को बोलती है ऐसे चॉप नहीं करते हैं, तुम मर्डर क्यों कर रही हो उसका। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पकड़ के उसको नाइफ़ किस तरीके से पकड़ते हैं पोलाइट तरीके से, वो पोलाइट तरीके से नाइफ़ पकड़ के उसे धीरे धीरे कट वट करना सिखाती है। और आरोही को जब अश्विनी धीरे धीरे इस तरीके से कट करना एक हाथ उधर पकड़ के एक हाथ से, मतलब दोनों हाथ अश्विनी ने आरोही के पकड़े थे और एक हाथ में उसने वेजिटेबल पकड़ी थी और एक हाथ में नाइफ़ पकड़ी थी और उसे धीरे धीरे चॉपिंग करना सिखा रही थी। ये सब चीज़ें सिखाते सिखाते अश्विनी आरोही के काफ़ी ज़्यादा करीब थी और वो थोड़ा सा बोलती भी जा रही थी तो सांसें भी अश्विनी को फील हो रही थी उसकी गर्दन पर, और वो काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें फील करे जा रही थी। उसके अंदर का फीलिंग्स अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। थोड़ी देर में आरोही जो होती है वो नाइफ़ को छोड़ देती है, अश्विनी बोलती क्या हुआ और वो टर्न होती है और आरोही के लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। आरोही तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और दोनों दीवार से लग जाते हैं, अश्विनी शॉक्ड हो जाती है और आरोही अश्विनी को दीवार से लगा देती है और उसके लिप पे किस पे किस पे किस करे जा रही थी। धीरे धीरे वो किस करते टाइम जो उसके टॉप के अंदर हाथ डाल के उसके जो बूब्स थे उसको हल्का हल्का प्रेस करे जा रही थी, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का प्रेस करे जा रही थी और प्रेस करते करते प्रेस कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से प्रेस करना। आरोही जो रहती है वो भी बहुत जोश में लगी रहती है और अश्विन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। थोड़ी देर में एकदम से चावल की सीटी बजती है तो दोनों होश में आते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं। आरोही उसे बोलती है कि बस वहीं पर रहना, अश्विनी बोलती है चावल पक गए होंगे, तो वो कहती है ठीक है। वो पीछे जाती है और किचन के वहाँ पर जाके गैस बंद कर देती है और फिर से वो आगे जाती है और आरोही अश्विनी के यहाँ जो टॉप रहता है उसे रिमूव कर देती है और उसे दीवार की तरफ पीछे लगा के उसको बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। बैक पे वो काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही थी और उसका जो नेवल है उस पर वो हाथ रख रही थी और उसे किस करती जा रही थी और धीरे से बोलती है अश्विनी योर बॉडी इज सो 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 ऑसम, आई लव योर बॉडी। तो अश्विनी बोलती है आई लव माई बॉडी ऑल्सो, तो वो कहती हूँ और आरोही बहुत पैशनेट तरीके से उसके बैक पे किस करे जा रही थी, पैशनेट तरीके से उसका किसिंग हो रहा था। फिर वो धीरे से बढ़ा के भी हुक्स को खोल देती है और वहाँ पर किस करे जा रही थी। फिर वो उसे टर्न करती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर लेकर आती है और बेड पे गिरा देती है। वो धीरे से उसका जो लोअर होता है वो रिमूव करती है और उसकी जो पैंटी होती है उसे रिमूव करती है और नीचे जाकर उसे वहाँ पर पूरे जो थाइल्स होता है वहाँ पर किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और पूरा किसेस करते टाइम वहाँ पर आगे जाके उसका जो लोअर पार्ट्स होता है वहाँ पर भी हल्का हल्का रबिंग टाइप और नेवल पे किसिंग वगैरह सब कर रही थी। अश्विनी तो अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी और इस तरीके से जो आरोही रहती है ये देख के काफ़ी खुश होती है। तो उसका एक हाथ तो उसके बूब्स में रहता है, दूसरा हाथ उसकी हरकतें लोअर पार्ट में कर रहा रहता है और दोनों बहुत पैशनेट तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में अश्विनी आरोही को देख रही थी। तो जैसे ही अश्विनी आरोही को देख रही थी आरोही उसकी आंखों को फॉलो करके और उसकी आंखों को समझ के
उसे किस करना स्टार्ट कर दी थी। अश्विनी और रूही एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जब अश्विनी ऐसे बोलती है हो गया, तो अश्विनी के मुंह से ये सुन के आरोही हंसने लगती है। फिर अश्विनी आरोही के ऊपर चढ़ती है और उसके जितने भी क्लॉथ्स होती है वो सब रिमूव करती है और उसे भी इसी पैशनेट तरीके से किसेस करना स्टार्ट कर देती है। प्यार करने लगती है और बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से लव मेकिंग कर रही रहती है, बहुत बहुत प्यार से। और यहाँ पर जो आरोही और अश्विनी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आरोही बोलती है थोड़ा सा फास्ट, तो अश्विनी कहती है हाँ, और ऐसे कह के वो भी उसे उतने ही पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। सेम लिप किस, नेक पे थोड़ा बहुत किसिंग, थोड़ा नीचे जाके बूप्स किसिंग और लोअर पार्ट पे हरकतें। और जब ये लोग पूरे तरीके से एक दूसरे को सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इनके हार्मोन्स और सम लिक्विड रिलीज हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं। अश्विनी जो रहती है उसे तो शर्म आती है, और आरोही को तो कैसी शर्म, अपनी गर्लफ्रेंड से शर्म करेगी तो प्यार किसे करेगी फिर। तो उसे वो एकदम से हाथ में उसे उसकी चिन को उठाती है और उसे कहती है तुम मुझसे भी शर्म करोगी अब। तो वो कहती है आरोही प्लीज़ टीस ना करो, और ऐसे करके वो एकदम से उसके चेस्ट पे सर रखती है और हल्का सा हो जाती। दोनों वहाँ पर एक ब्लैंकेट्स रहती है, उससे अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।